नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कान्हा रिपेयर पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों लैपटॉप को लेकर। दोस्तों लैपटॉप में हम इंटरनेट चलाते हैं और चलाने से पहले आप सोचते हैं कि हमारा जो इंटरनेट है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है लैपटॉप में एक अपडेट ऑन होता है, ऑटो अपडेट, जिससे कि हम इंटरनेट यूज करते हैं और हमारा जो डाटा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाता है और हम सोचते हैं कि हम लैपटॉप में इंटरनेट यूज ना करें। तो एक सिंपल सा सेटिंग है दोस्तों, वो कर लोगे तो आप लैपटॉप में इंटरनेट यूज करोगे तो भी आपका इंटरनेट जो है खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप होता है वो अपडेट मोड में होता है, वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं, इसी वजह से हमारा जो इंटरनेट है वो यूज होता है। हम तो लैपटॉप ही यूज करते हैं दोस्तों और इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन हमारा जो डाटा है वो कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम वो सेटिंग सबसे पहले करते हैं, उसके बाद ही हम अपना डाटा को ऑन करते हैं। तो ये सेटिंग अगर आप भी कर लेते हैं तो आपका डाटा जो है खत्म नहीं होगा। तो ये छोटा सा सेटिंग है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी तरीके के नए नए वीडियो हम लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, एक छोटा सा सेटिंग है उसे हम अगर कर लेते हैं तो हमारा जो डाटा है वो लंबे समय तक चलेगा, हमारा डाटा जल्दी से खत्म नहीं होगा और आप लैपटॉप में कभी भी इंटरनेट यूज करने से घबराएंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का ये वीडियो। हमें आ जाना है लैपटॉप में और यहाँ आने के बाद हमको आना है कीबोर्ड पर और यहाँ हमको प्रेस करना है विंडो प्लस आर। जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ हमारे सामने में आ जाएगा रन कमांड। यहाँ हमको लिख देना है services.msc, ये लिखकर हमको करना है ओके। यहाँ जैसे हम ओके करते हैं इस तरीके से सर्विस का ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हमको नीचे आना है, नीचे आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ विंडोज अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम नीचे आ जाते हैं तो देखिए यहाँ है विंडोज अपडेट, इन पर हमको करना है डबल क्लिक और यहाँ हमारे सामने में एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा विंडोज अपडेट का। यहाँ देखेंगे तो देखिए टाइप में दिया है मैनुअल, तो ये हमारा जो है अभी मैनुअल में है, इसीलिए हमारा जो विंडो है वो अपडेट होते रहते हैं, इसी वजह से हमारा इंटरनेट है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हमको यहाँ कर देना है डिसेबल। डिसेबल करने के बाद यहाँ हमको करना है अप्लाई और यहाँ से हम कर देंगे ओके। ये छोटा सा सेटिंग है, ये हो चुका है। उसके बाद में हमको इसको कर देना है क्लोज, यहाँ से बाहर निकल जाना है। अब हम यहाँ इंटरनेट यूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। तो आप जब भी इंटरनेट यूज करें इसी तरीके से मैनुअल को आप डिसेबल कर लें, उनके बाद अपने लैपटॉप पर इंटरनेट को यूज कीजिए, आपका इंटरनेट जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरीके के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कान्हा रिपेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।